गुड इवनिंग फ्रेंड। तो आज हमारा है प्रैक्टिस सेट 12 यानी कि 12। इसकी अब तक जो हमारी 11 क्लासेस हो चुकी हैं प्रैक्टिस सेट की, ठीक है, यानी कि 11 लाइव क्लास हो चुकी हैं। इस तरह की किसी में हमने 40, 50 इस तरह के क्वेश्चन देखे हैं। आज हम देखने वाले इसमें 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। जीएस का प्रैक्टिस सेट है ये, आरपीएफ एसआईयू कांस्टेबल दोनों एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इसको जरूर अच्छे से दीजिए लास्ट तक। एंड इसके अलावा अन अकेडमी पर आपको कोर्स मिल जाएगा मेरा, आरपीएफ एसआईयू कांस्टेबल का क्लास कोर्स। उसको अगर आपको ज्वाइन करना है तो अन अकेडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करने के बाद वहाँ जाकर राहुल सोलंकी सर्च करोगे तो सारे कोर्सेज आप देख सकते हो, बायोलॉजी मैथ वगैरह ये सब सारे कोर्स आप देख सकते हो। गुड इवनिंग सभी को। चलिए तो शुरुआत कर देते हैं आज के अपने लाइव सेशन की, जिसमें हम क्या देखने वाले हैं। प्रैक्टिस सेट हमारा है 12, ठीक है। जैसे 8 बजे शुरू हो जाता है, थोड़ा सा लेट है आज। चलिए शुरुआत कर देते हैं। हेलो, गुड इवनिंग सभी को। एंड हेलो सभी को, जितने भी लोग जुड़े हैं सभी को हेलो एंड हाउ आर यू, कैसे हो आप सब। एंड समान ज्ञान प्रैक्टिस सेट 12 है हमारा, इससे पहले 11 क्लासेस की हो चुकी हैं। नोटिफिकेशन थोड़ा सा लेट जाता है तो 1 मिनट का समय हम यहाँ पर लेंगे, ठीक है, जिससे सभी लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए, वो क्लास को टाइम पर अटेंड कर पाएँ, ठीक है। उसके बाद शुरुआत करेंगे एंड एक बार वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। शुरुआत करने से पहले लाइक एंड शेयर कर दें आप लोग, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें जिनको आप जोड़ना चाहते हो आज की क्लास में। चलिए तो आज का कौन सा हमारा 12, इससे पहले 11 हो चुकी हैं इसकी क्लासेस, ठीक है, 11 इसकी क्लास हो चुकी हैं। एंड क्रैश कोर्स की हो चुकी हैं कितनी, 33। वो आपने नहीं देखी तो देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। चलिए मैं बहुत बढ़िया हूँ भाई, आप लोग बताइए। गुड इवनिंग सभी को। शुरुआत कर देते हैं फिर आज के अपने लाइव सेशन की, काफ़ी सारे लोग जुड़ चुके हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, दीजिए आंसर इसका क्या होगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, DNS एक नेटवर्किंग शब्द है, ठीक है, जो किसे संदर्भित करता है, यानी कि इसका फुल फॉर्म पूछा जा रहा है आपसे। DNS क्या है, DNS आपको बताना है आंसर इसका। चलिए ज्योति ठाकुर यू आर सुपर्ब, अच्छी बात है। चलिए आंसर दीजिए, क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट आपके सामने आ चुका है, सभी लोग आंसर दीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, इसके बारे में अच्छे से बात करेंगे क्या होता है ये DNS। चलिए बताइए जल्दी से DNS क्या होता है, ईशानी जमात आदि। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, DNS एक नेटवर्किंग शब्द है जो किसे संदर्भित करता है, यानी कि क्या है इसका फुल फॉर्म, भी आपसे पूछा जा रहा है। फर्स्ट का आंसर दीजिए आप लोग, क्या होगा इसका राइट आंसर। देखिए मोस्टली लोग क्या कह रहे हैं, बी कह रहे हैं, लेकिन बी इसका राइट आंसर नहीं होगा, डिजिटल नेटवर्क सर्विस इसका राइट आंसर नहीं होगा, ठीक है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा DNS का, जल्दी से आंसर देना है आपको। देखिए इसका हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, जितने भी लोगों ने ए दिया बिल्कुल सही जाएगा। डोमेन नेम सिस्टम, अब क्या होता है ये डोमेन, देखिए आपको मैं एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आपको कोई वेबसाइट बनानी है, गूगल पर जाकर या कहीं पर ब्लॉग पर जाकर कोई वेबसाइट आपको बनानी है, तो उस वेबसाइट का आप जो नाम देते हो वही होता है डोमेन नेम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लें यूट्यूब, तो यूट्यूब क्या है, एक वेबसाइट है, ठीक है, उसका डोमेन क्या है, यह youtube.com, ये क्या है उसका डोमेन है, ठीक है। ऐसे मान लीजिए अगर आपको हमारी वेबसाइट पर जाना है तो studyparwar.com आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, तो studyparwar.com क्या है, वो है डोमेन, ठीक है। डोमेन क्या होता है आपको अच्छे समझ में आना चाहिए, क्या डोमेन नेम सिस्टम इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। इसको परचेस करना होता है हमारी वेबसाइट के रूप में, अगर हमको किसी को खरीदते हैं, जैसे आपने विकीपीडिया आप सबने सुना होगा, ठीक है, विकीपीडिया, अब wikipedia.com आप लिखते हो तो विकीपीडिया को आप डायरेक्ट पहुंच जाते हो, वो होता है डोमेन नेम, ठीक है। तो अच्छे से याद रखना, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, पृथ्वी किस दिशा में अपनी धुरी पर जो है चारों ओर घूमती है, ये आपको बताना है। चलिए आई थिंक आपको डोमेन के बारे में समझ में आ गया हो क्या होता है डोमेन, ठीक है। चलिए किसी भी वेबसाइट पर हम डोमेन के थ्रू ही पहुंचते हैं, जैसे हमें किसी वेबसाइट पर जाना है तो जब तक उसका डोमेन नेम नहीं पता होगा तो कैसे पहुंचेंगे, आईपी एड्रेस सबका याद नहीं रख सकते। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, आंसर दीजिए इसका, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। चलिए पृथ्वी की जो घूर्णन गति पूछी जा रही है, किस ओर घूमती है अपनी दूरी पर, इसी के कारण जो दिनों रात होते हैं वो संभव होते हैं, तो उसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी, ठीक है, पश्चिम से पूर्व, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अब, क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, राइट आंसर दीजिए इसका। क्वेश्चन नंबर 3, टीपू सुल्तान को डैश के टाइगर के नाम से भी जाना जाता है, यानी 4 ऑप्शन है, टाइगर के रूप में जाना जाता है टीपू सुल्तान को। एंड टीपू सुल्तान से क्वेश्चन अभी एग्जाम में एक पूछा गया था, इसका फुल फॉर्म पूछा गया था, पूरा नाम माफ कीजिएगा, टीपू सुल्तान का जो असली नाम पूछा गया था तो उसका नाम है सुल्तान फतेह अली साहब, ठीक है। इसका टीपू सुल्तान का नाम क्या है, सुल्तान फतेह अली साहब, ठीक है। 1750 में इसका जन्म होता है, 1799 में इसकी मृत्यु होती है टीपू की। एंड इसके फादर्स का नाम था हैदर अली एंड माता थी फखरुन्निसा, आपको याद रखना है ये सब इसके बारे में। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, मैसूर, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। कौन सा पदार्थ ग्लास को हरा रंग देता है, यानी कि जो कांच होते हैं, हम सीधी भाषा में कांच कहते हैं ग्लास को, तो जो है उसको हरा रंग कौन सा जो है पदार्थ देता है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, कैल्शियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड या मैग्नीज ऑक्साइड, 4 ऑप्शन आपके सामने, दीजिए राइट आंसर। क्वेश्चन हमारा आपका 4 है, सभी लोग आंसर दीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलिए जल्दी जल्दी आंसर दीजिए आप लोग, क्या होगा इसका राइट आंसर।
चलिए, तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 4 है उसका राइट आंसर हो जाएगा क्रोमियम ऑक्साइड। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्रोमियम ऑक्साइड के द्वारा ही किसी कांच या ग्लास को हमको जो रंग देना है हरा वाला, तो क्रोमियम ऑक्साइड पदार्थ के द्वारा हम दे सकते हैं। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका है नेक्स्ट 5, दीजिए राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा जो त्यौहार है एक पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। 5 क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दीजिए आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर थी, ऐसा कौन सा त्यौहार है पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा होली। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, होली इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, राइट आंसर दीजिए इसका। अपने कार्यकाल की समाप्ति से पहले राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया कौन शुरू कर सकता है, यानी किसके द्वारा की जा सकती है, जिसको महाभियोग भी बोला जाता है, तो किसके द्वारा की जाती है ये प्रक्रिया। ठीक है, 4 ऑप्शन है, दोनों हाउस में से कोई भी, यानी कि कोई सी भी जो 2 सदन है उन सदनों में से जो कोई भी, या सुप्रीम कोर्ट, आम आदमी, या इनमें से कोई नहीं। देखिए आम आदमी और सुप्रीम कोर्ट का इसमें अच्छा खासा कोई रोल नहीं रहता, इसमें रहता है दोनों पार्टी। दीपक भाई मैं बिल्कुल अच्छा हूँ। ठीक है, तो दोनों जो है सदनों के द्वारा ही हो सकता है, तो इसका ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। वही लाते हैं और सदन में जो 2/3 मतों से जो है पारित करना पड़ता है बिल, उसके बाद ही राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। उससे पहले 14 दिन पहले उसको सूचना दी जाती है। ठीक है, महाभियोग होता है जैसा कि आपको पता, उसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, चलिए राइट आंसर देना है आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर आप कौन सा है, 7, 7 का आंसर दीजिए आप लोग। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 7 क्या कह रहा है, सरकारी अनुसंधान संगठन श्रेणी में स्पष्ट भारतीय अभिनव पुरस्कार 2018 से सम्मानित संस्थान या संगठन का नाम आपको बताना है। चलिए जल्दी से आंसर दीजिए, क्वेश्चन नंबर आपका 7 है। चलिए सभी लोगों का आंसर आना चाहिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 राइट आंसर दीजिए आप लोग, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सेवन का आंसर दीजिए आप लोग, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। तो 7 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, CSIR। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, CSIR को 2018 का जो अभिनव पुरस्कार मिला है, भारतीय अभिनव पुरस्कार 2018 से कैसे सम्मानित किया गया है, CSIR। अब CSIR क्या है, इसका फुल फॉर्म होता है काउंसलिंग। ठीक है, इसका फुल फॉर्म सुन लीजिए आप एक बार अच्छे से, काउंसलिंग ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है, आपको याद रखना है, काउंसलिंग ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसका फुल फॉर्म होता है 26 सितंबर 1942 को इसकी स्थापना की गई थी, और इसका प्रेसिडेंट होता है प्रधानमंत्री। ठीक है, ये आपको याद रखना है, CSIR के बारे में अच्छे से आपको याद रखना है। ठीक है, 26 सितंबर 1942 को इसकी स्थापना की गई थी भारत की। इसका राइट आंसर हमारा सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, अभी मैंने करंट अफेयर वीडियो में आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में, सभी का आंसर आना चाहिए। चलिए बताइए जल्दी से राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए आप लोग, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। रोस्टली 0 आपने बिल्कुल सही कहा, काउंसलिंग ऑफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आपको बताना है, पुरुष हॉकी विश्व कप 2018 जो है कहाँ आयोजित किया जा रहा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। 28 सितंबर से जो शुरू हो चुका है, आपको पता होगा कहाँ पर, भारत में, भारत में भी कहाँ, उड़ीसा, उड़ीसा में भी कहाँ, भुवनेश्वर। इसका हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उड़ीसा की राजधानी में शुरू हो चुका है, कलिंगा स्टेडियम में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, शनि सिंह लेट कैसे हो गए भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, नोटिफिकेशन आपको मिला होगा जैसे ही शुरू होती है। अंकित कुमार थैंक यू भाई, चलिए जल्दी से आंसर दीजिए। ज्योति चौधरी आपका मैसेज बिल्कुल दिख गया, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, 7 में ऑलरेडी दे चुका हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2021 का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया जाएगा, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, राइट आंसर दीजिए इसका। तो कहाँ किया जाएगा, न्यूजीलैंड में। इसका ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, न्यूजीलैंड। आगे बढ़ते हैं अब, क्वेश्चन नंबर आपका है 10, राइट आंसर दीजिए आप लोग क्या होगा इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का। ITTF टेबल टेनिस विश्व कप 2018 कहाँ आयोजित किया गया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। चलिए जल्दी से आंसर दीजिए। और जो विश्व कप हो रहा है हॉकी का भी चल रहा है भारत में, तो उसके बारे में जितने फैक्ट होंगे आपको डेली पढ़ लेना है, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है RPF के में। ठीक है, करंट इवेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट, तो उसको जरूर पढ़ लेना आप लोग सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, राइट आंसर दीजिए जल्दी से क्या होगा इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इंग्लैंड। ठीक है, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, और मेजबानी की लंदन है, इंग्लैंड में है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, राइट आंसर दीजिए आप लोग, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11 का कह रहा है, फ्रांस द्वारा आयोजित किए जाने वाले फीफा महिला विश्व कप 2019
के लिए नारा क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है जो फ्रांस में होने वाला है महिला का फीफा विश्व कप, यानी कि महिलाओं का होने वाला है फीफा विश्व कप फुटबॉल वाला 2019 में, वो कहाँ होगा पहले तो आपको ये पता नहीं चाहिए फ्रांस में फर्स्ट। अब सेकंड आपसे पूछा जा रहा है उसका नारा क्या है, तो उसका नारा है डेयर टू साइन। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, डेयर टू साइन इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 12 और पुरुष का जो हुआ था फीफा विश्व कप 2018 रूस में हुआ था वो किसने जीता था वो आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताइए, आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2019 में कहां आयोजित किया जाएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आपको बताना है, चलिए कहां आयोजित किया जाएगा ये आपसे पूछा जा रहा है सिंपली। तो ये कहां किया जाएगा, क्वेश्चन नंबर आपका है कौन सा 12, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या क्वेश्चन नंबर 12 का इंग्लैंड। ठीक है, इंग्लैंड में किया जाएगा, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए और उम्मीद है कि भारत ही जीतेगा इसको, आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2019 को आई थिंक इंडिया ही जीतेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका है नेक्स्ट 13, राइट आंसर दीजिए इसका, छत्तीसगढ़ के गवर्नर कौन है। ठीक है, ये आपको बताना है, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए आप लोग, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए जल्दी से आंसर दीजिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, छत्तीसगढ़ के गवर्नर आपसे पूछा जाए तो अतिरिक्त प्रभार में है अभी आनंदीबेन पटेल। ठीक है, मध्य प्रदेश की है ये लेकिन अतिरिक्त प्रभाव में है, ये अतिरिक्त प्रभार अगस्त 2018 से कौन है, आनंदीबेन पटेल। अगर अभी आपके एग्जाम में पूछा जाए तो अतिरिक्त प्रभार में सौंपा गया है इनको आनंदीबेन पटेल को। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा ठीक नहीं लिखा, आनंदीबेन पटेल यहाँ पर इंग्लिश में बिल्कुल सही लिखा है, तो आपको ये देख लेना है आनंदीबेन पटेल, यानी कि जो कि गुजरात की मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 14, राइट आंसर दीजिए इसका, क्या होगा राइट आंसर, अर्जेंटीना की राजधानी आपसे पूछी जा रही है, क्या होगा इसका राइट आंसर, अर्जेंटीना की राजधानी आपसे पूछी जा रही है। ठीक है, एमपी की भी है लेकिन अतिरिक्त प्रभार में जो उनको सौंपा गया है छत्तीसगढ़ का। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका है 14, राइट आंसर आपको देना है इसका, अर्जेंटीना की राजधानी आपसे पूछी जा रही है, तो उसकी राजधानी है ब्यूनस आयर्स। ठीक, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, कहाँ की, अर्जेंटीना की, वहां की मुद्रा क्या है, पेसो। ठीक है, पेसो, अर्जेंटीना ही पेसो या पेसो लिखकर आ सकता है। चलिए तो इसका हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 15 है, राइट आंसर आपको देना है इसका, क्या होगा। चलिए मैथ की आपको एक वीडियो कल मिल जाएगी, ठीक है, मैथ की क्लास आपको कल मिल जाएगी और 8 PM हमारी सीधा GS की चलेगी। चलिए स्लो ही चल रहे हैं, आप लोग आंसर दीजिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर आपका 15 है, दांतीवाड़ा बांध जो है निम्नलिखित में से किस राज्य में, यह आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर आपका 15 है, तो पश्चिमी बनास नदी पर है ये दांतीवाड़ा बांध, और कहाँ है ये, गुजरात में, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। ठीक है, गुजरात में है ये। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, ओमपुरी की आत्मकथा आपसे पूछी जा रही है, का नाम पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 16 में, बताइए इसका राइट आंसर, राज कोटाले। आपको कुछ दिख नहीं है तो एक बार क्लोज करके दोबारा से चालू कर लीजिए, बाकी सब सही चल रहा है यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे क्या कह रहा है, ओमपुरी की जो आत्मकथा है उसका नाम क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है, जल्दी से आंसर दीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर हमारा जो 16 है उसका राइट आंसर हो जाएगा, ओमपुरी की जो है आत्मकथा है तो उसका है अनलाइकली हीरो। ठीक है, ओमपुरी अनलाइकली हीरो, इसका डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, द अनलाइकली हीरो लिखकर आ सकता है या ओमपुरी अनलाइकली हीरो लिखकर आ सकता है, तो आपको दोनों से अच्छे से याद रखना है, द अनलाइकली हीरो लिखकर आए जब भी हमारा आंसर होगा भाई। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हमारा आपका 17, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक यानी कि IPPB की टैगलाइन आपसे पूछी जा रही है, क्या है इसकी टैगलाइन, ये आपसे पूछी जा रही है। चलिए जल्दी से आंसर दीजिए, क्वेश्चन नंबर आपका 17 है, क्या होगा इसका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर जो हमारा 17 है इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, आपका बैंक आपके द्वार, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 18 है, राइट आंसर दीजिए इसका, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, भारत रत्न पुरस्कार का पदक किस आकार में बनाया गया, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, इसका राइट आंसर आपको देना है, भारत रत्न से क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, आ सकता है एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपको बताना है, 2 जनवरी 1954 से इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, भारत रत्न की, एंड लास्ट बार 2015 में दिया गया था, ये आपको याद रखना है, 45 अब तक दिए जा चुके हैं टोटल। एंड भारत रत्न के बारे में बात करो, पीतल का एक जो है क्या हो जाएगा, पीतल पत्ता, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। ठीक है, इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, पीतल पीपल का जो पत्ता होता है उसके आकार का, उस पर लिखा रहता है भारत रत्न, ये दिया जाता है, तो आपको अच्छे से याद रखना है इसके बारे में। और ये भी पूछा सकता है, अंतिम बार किसको दिया गया है,
ठीक है, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो 2015 में उसको दिया गया था मदन मोहन मालवीय, ठीक है, मरणोपरांत उनको दिया गया था, उनसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी, और 2014 में सचिन तेंदुलकर को दिया गया था, भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी रह चुके हैं पूर्व, उनको दिया जा चुका है 2014 में। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 19 है, 1954 में भी ये दो लोगों को दिया गया था, आपको पता होगा भारत रत्न के बारे में अगर बात की जाएगी तो किस किस को दिया गया था। एक तो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एंड एक थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, उन दोनों को दिया गया था, ठीक है। एंड इसके अलावा अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है 19, राइट आंसर क्या होगा उसका दीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 19 है, देवी अहिल्याबाई होलकर जो है हवाई अड्डा कहाँ, ये आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 है तो यह है इंदौर में, ठीक है, इंदौर कहाँ है, मध्य प्रदेश में, एमपी में। तो देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा कहाँ है, इंदौर में, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 20 है, राइट आंसर क्या होगा, म्यांमार की संसद आपसे पूछी जा रही है। क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर क्या पूछा जा रहा है, म्यांमार की संसद आपसे पूछी जा रही है, ठीक है, वहाँ की संसद को क्या कहते हैं ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी से, क्वेश्चन नंबर आपका है 20। चलिए क्या आंसर आ रहा है आप यहाँ पर आप लोगों का, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन पर जो दिया हुआ है, ठीक है, पियथु हलोताव, ठीक है, इसका डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। एंड वहाँ की राजधानी आपको पता होनी चाहिए, क्या है राजधानी बताइए एक बार कमेंट करके। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर आपको देना है, इरविकुलम नेशनल पार्क निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, चार ऑप्शन आपके सामने हैं, तो राइट आंसर आपको देना है इसका 21 का, क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका 21, किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में ये स्थित है, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। चलिए जल्दी से आंसर दीजिए, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, केरल, ठीक है, कहाँ है, केरल में है ये, ठीक है। इस तरह के जो लिखकर दे दी जाती है लैंग्वेज किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है, तो यहाँ पर एक केंद्र शासित प्रदेश दिख रहा है कौन सा, दमन और दीप, इसलिए हम आंसर ये लगा दें क्योंकि इस तरह की लैंग्वेज दी जाती है, लेकिन हमको याद रखना है क्या, केरल, केरल में है, इस तरह की लैंग्वेज से कन्फ्यूज नहीं होना है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, नायपीडा वहाँ की जो राजधानी है, सही बताया आप लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर आपको बताना है, इंद्रावती जो है, इंद्रावती या इंद्रावती लिख रहा है, बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है 22, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा, इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा, ठीक है। और उड़ीसा की अगर बात करें तो यह वर्तमान में क्या चल रहा है, विश्व हॉकी हॉकी कप चल रहा है 2018 का पुरुष वाला, ठीक है, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में, एंड उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है, नवीन पटनायक। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर आपको बताना है, निम्नलिखित में से किसे पीसी में उपयोग किए गए एकीकृत सर्किट में उपयोग की जाने वाली तकनीक विकसित करने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो आंसर आपको देना है जल्दी से क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है 23, ठीक है, 23 का आंसर आपको बताना है क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है 23, किसको दिया गया था नोबेल पुरस्कार, ये आपको बताना है। चलिए जल्दी से आंसर दे दीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो इनको मिला था नोबेल प्राइज दिसंबर 2000 में, ठीक है, कब मिला था 2010 में इसको, इनको जो नोबेल प्राइज दिया गया था। एंड इसके अलावा बात करें किसको, जैक किल्बी, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, किसको, जैक किल्बी को, इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा सी, 2010 में इसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था इनको। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 24 है, बैटरी का जो आविष्कार किसने किया, ये आपसे पूछा जा रहा है। 24 का आंसर आपको बताना है क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है 24, बैटरी का आविष्कार तो उनको माना जाता है वोल्टा को, उसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, वोल्टा बैटरी थोड़ा थोड़ा आप साथ में जोड़ सकते हो, उनको कनेक्ट कर सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका है 25, का आंसर आपको बताना है, पुस्तक अप्रेंटिसशिप ऑफ ए महात्मा का लेखन कौन है, जिस पर द मेकिंग ऑफ द महात्मा नामक फिल्म भी आधारित है, उसी पुस्तक पर जो फिल्म बनाई गई है, ये आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 कौन है इसके लेखक, ये आपसे पूछे जा रहे हैं, तो इसके लेखक हैं फातिमा मीर, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने आ चुका है, दीजिए इसका राइट आंसर, निम्नलिखित में से जो कौन सी नदी एक रिफ्ट घाटी में यानी कि रिफ्ट वैली के माध्यम से बहती है, ये आपसे पूछा जा रहा है, रिफ्ट वैली में कौन सी नदी बहती है, चार ऑप्शन आपके सामने हैं। चलिए तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा, ठीक है, नर्मदा जो रिफ्ट वैली में बहती है और ये उल्टी नदी
ठीक है, पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, ठीक है, कहाँ से निकलती है, मध्य प्रदेश से निकलती है और मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है ये, ठीक है, मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है और कहाँ जाती है, खंभात की खाड़ी में जाती है, ठीक है, अरब सागर में खंभात की खाड़ी में जाती है और उसकी कुल लंबाई है 1312 किलोमीटर, नर्मदा की जो कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है और मध्य प्रदेश के अंदर इसकी लंबाई है 1077 किलोमीटर, ठीक है, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी इसको कहा जाता है, तो उसका हमारा राइट आंसर भी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 27 है, राइट आंसर दीजिए आप लोग, क्या होगा राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 27, भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा 27 है, अल्पसंख्यक अधिकार दिवस जो है कब मनाया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 27 राइट आंसर दीजिए क्या होगा इसका। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 27 के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पर, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 18 दिसंबर, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़े, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है 28, विश्व बैंक द्वारा किस बैंक ऑफिस ऑपरेशन की स्थापना के लिए किस भारतीय जो है शहर का चयन किया गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है, विश्व बैंक द्वारा जो है ऑफिस ऑपरेशन की स्थापना करने, बैंक ऑपरेशन ऑफिस जो है ऑपरेशन की जो है स्थापना के लिए किस भारतीय शहर का चयन किया गया, तो उसको किया गया है चेन्नई का, ठीक है, इसका सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, चेन्नई जो कि राजधानी है किसी प्रदेश की, बताइए किसकी राजधानी, चेन्नई। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 29 है, नेशनल पीपल पार्टी के संस्थापक कौन है, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, तो कौन है इसके लिए जो है संस्थापक, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 29, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 29 का, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर क्या हो जाएगा, पी ए संगमा, ठीक है, पी ए संगमा इसका राइट आंसर हो जाएगा, नेशनल पीपुल पार्टी के संस्थापक हैं कौन, पी ए संगमा, डी ऑप्शन का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, सभी का आंसर आना चाहिए इसका, क्वेश्चन नंबर 30 जो है हमारा, हरिप्रसाद चौरसिया से संबंधित संगीत उपकरण कौन सा है, कई बार पूछा गया है, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, बिल्कुल सही कहा, ठीक है, तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर, हरिप्रसाद चौरसिया से संबंधित जो है संगीत उपकरण कौन सा है, ये आपसे पूछा जा रहा है, लास्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया पी ए संगमा, आपको बताना है 30 का आंसर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बांसुरी, ठीक है, फ्लूट उससे संबंधित है ये, हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक है, क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर बताइए आप लोग क्या होगा राइट आंसर इसका, संयुक्त राष्ट्र महासभा का पहला नियमित सत्र कहाँ आयोजित किया गया था, ये आपसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 31 है आपका, चलिए कहाँ किया गया था ये पहला, ये पूछा जा रहा है, संयुक्त राष्ट्र महासभा का पहला नियमित सत्र जो किया गया था लंदन में, इसका हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कहाँ किया गया था लंदन में। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 32, किस काल के दौरान जो है पंचतंत्र लिखा गया, ठीक है, पंचतंत्र के लेखक कौन है, विष्णु शर्मा है, आपको याद रखना है, ठीक है, कई बार पूछा गया विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई पंचतंत्र किस काल के दौरान जो है ये लिखा गया, ये आपसे पूछा जा रहा है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है, वैदिक काल के बाद, मुगल काल, मौर्य काल या गुप्त काल के बाद, तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो 32 है उसका राइट आंसर हो जाएगा डी, गुप्त काल के बाद जो ऐसा माना जाता है, गुप्त काल के बाद लिखी गई है पंचतंत्र जिसे विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया है, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 33 है, किस नदी पर नर नारायण सेतु का जो है निर्माण किया गया है, क्वेश्चन नंबर 33 सभी लोग आंसर दीजिए इसका क्या हुआ राइट आंसर, एंड जल्दी से आंसर दीजिए इसका, क्वेश्चन नंबर आपका 33 है, किस नदी पर नर नारायण सेतु का निर्माण किया गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है, जल्दी से आंसर दीजिए इसका, क्वेश्चन नंबर 33 क्या हुआ राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र, इसका कौन सा बी ऑप्शन से हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 34, ए पैसेज टू इंग्लैंड पुस्तक के लेखक का नाम आपको बताना है 34 क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, नेम द ऑथर ऑफ द बुक ए पैसेज टू इंग्लैंड, क्या होगा इसका राइट आंसर 34 का, चलिए जल्दी जल्दी आंसर देना है आपको, तो 34 का हमारा आंसर हो जाएगा राइट, क्वेश्चन नंबर जो 34 है उसका राइट आंसर हो जाएगा निराद सी चौधरी, ठीक है, निराद सी चौधरी इस तरह नहीं लिखा जाएगा, ये नहीं आएगा, इस तरह आएगा निराद सी चौधरी, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की घोषणा के नेतृत्व में यानी किसके नेतृत्व में की गई थी, आपसे पूछा है, 35 का आंसर आपको बताना है, चलिए जल्दी सभी लोग आंसर दीजिए उसके बाद आंसर बताऊंगा आपको मैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की घोषणा किसके नेतृत्व में जो की गई थी, यह आपसे पूछा जा रहा है।
चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 35 है, राइट आंसर आपको देना है इसका क्या होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 जो है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की जो घोषणा की गई थी नरेंद्र मोदी जी के काल में, ठीक है, कब, 2015 में, 8 अप्रैल 2015 से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, आपको अच्छे से याद रखना है, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, ठीक है, नरेंद्र मोदी जी इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए ज़्यादातर लोगों को पता होना चाहिए इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर आपका 36 है, पंजाब की संसदीय सीटें यानी कि लोकसभा की कितनी सीटें, ये आपसे पूछा जा रहा है पंजाब में, ठीक है, और लोकसभा सीटों से क्वेश्चन जरूर आता है आपके एग्जाम में, तो आपको अपने राज्य की तो पता होना चाहिए कि कितनी हैं आपके जो राज्य में लोकसभा सीटें। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं अपनी बात करूँ तो मध्य प्रदेश में 29 हैं, तो मुझे पता है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए आपके राज्य में कितनी हैं, एंड इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा 13, इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा, पंजाब में जो लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, 13 है, ठीक है, कितनी है, 13 है, ये आपको याद रखना है। एंड सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, यूपी में, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, वो आपको पता होना चाहिए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा आएगा, 37, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा 80 हैं, एंड आपको आपके राज्य की पता होना चाहिए सभी को कि आपके राज्य में कितनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 37 है, ओलंपिक के इतिहास में सबसे ज्यादा स्वर्ण पदकों का रिकॉर्ड किसने बनाया है, ये आपको बताना है। चलिए यूपी में सबसे ज्यादा है, ठीक है, और राजस्थान में 25 है, ठीक है, राजस्थान में कितनी है, 25 है, यूपी में 80 है, 80, ठीक है, 90 नहीं है, 80 है। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर आपको बताइए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आपके कौन सा राज्य है उसकी अगर आपको नहीं पता तो मैं बताऊंगा, ठीक है, एमपी में तो 29 है। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा माइकल फेल्प्स, ठीक है, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, माइकल फेल्प्स जो है पृथ्वी के इतिहास में सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीतने वाला इकलौता ऐसा इंसान है, अमेरिका से है ये, ठीक है, कहाँ से हैं, अमेरिका से, आपको पता होना चाहिए, और फ्लाइंग फिश जैसे कई सारे नाम इनको दिए गए हैं उपनाम इनके, तो ये आपको पता होना चाहिए, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अमेरिका से हैं, अब तक 28 गोल्ड मेडल जीत चुके हैं ये, क्योंकि अपने आप में ज़्यादा है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 38 है, स्विमिंगर हैं, ठीक है, स्विमिंग करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 38 क्या कह रहा है, कौन सा किला सुनहरे किले के रूप में भी जाना जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो जल्दी से आंसर दीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, 38, जल्दी से आंसर दीजिए, आपको क्या हुआ, रिंकू हरियाणा में है 10, ठीक है, आपको याद रखना है हरियाणा में कितनी है, ओनली 10। चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, 38, राइट आंसर दीजिए, आप लोग क्या होगा, 38 का हमारा राइट आंसर क्या होगा, जैसलमेर, इसका डी ऑप्शन सही होगा, जैसलमेर के किले राजस्थान में है जैसलमेर, और जैसलमेर के किले को सुनहरे किले के रूप में भी जाना जाता है। एंड किले की अगर बात चल रही है यहाँ पर, तो भारत के किलों का रत्न है जिब्राल्टर किसको कहते हैं, तो वो कहते हैं ग्वालियर के किले को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 39 है, राफेल नडाल ने सीधे सेट में किसको हराकर 11वां फ्रेंच ओपन खिताब जीता है, ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये क्वेश्चन बनता है कि फ्रेंच ओपन जो है का संबंध किस खेल से है, तो बैड वो किससे है, लॉन टेनिस से, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अब जम्मू कश्मीर में 6 हैं, भाई किसी ने क्वेश्चन पूछा था जम्मू में कितनी है, तो 6 हैं, आपको याद रखना है। चलिए सबसे कम तो काफ़ी सारे राज्यों में एक एक है, मिजोरम है, नागालैंड है, और केंद्र शासित राज्य हैं पांडिचेरी है, लक्षद्वीप है, उनमें एक एक सीट है मात्र, तो सबसे कम नहीं कह सकते किसमें है, एक एक है काफ़ी सारे राज्यों में, एंड त्रिपुरा में 2 हैं, सिक्किम में 1 है, तो ये तो सब कह नहीं सकते कितने में, कम से कम एक एक है काफ़ी सारे राज्य में, एक से कम क्या होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर आपको बताना है, किसको हराया था इन्होंने, 39 का आंसर दीजिए जल्दी से, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 39 का बी ऑप्शन का सही हो जाएगा, ठीक है, डेमिनिक थिम इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनको हराया था और फ्रेंच ओपन का खिताब जीता था इन्होंने। 40 का आंसर बताइए, चलिए क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर दे दीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। संतोष जी, रांची में नहीं होती, मतलब किसी प्रदेश में होती है, ठीक है, रांची में नहीं होती, रांची कौन से प्रदेश में आता है, ठीक है, इस तरह झारखंड में, तो झारखंड में कितनी है, इतना हम ऐसे हम कह सकते हैं, ठीक है, रांची में कितनी भी नहीं होंगी, लोकसभा सीट तो प्रदेश के अकॉर्डिंग होती हैं, और जिले वाइज या हम याद नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, ठीक है, प्रदेश के अकॉर्डिंग पूछी जा रही, झारखंड में टोटल 14 हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए जल्दी से आंसर दीजिए इसका, क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, 40,
राइट आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए, उत्तरी रेलवे में, ठीक है, वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा परिवेक्षित व्हाट्सएप ग्रुप का उपयोग करके अपनी ट्रेनों की सफाई की निगरानी करने के लिए उत्तरी रेलवे ने यह कदम उठाया। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। उत्तरी रेलवे की अगर बात की जाएगी हमारी, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 14 अप्रैल 1952 को आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 41 है, झारखंड में 14 है, ठीक है, लोकसभा सीटों की बात की जाएगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, अभी आप लास्ट में पूछ लेना वीडियो में, जब भी आप जिसका भी आपको पूछना है लास्ट में बता दूंगा मैं, 50 क्वेश्चन होने के बाद आप लोग पूछ लेना, ठीक है। हाँ ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर आपको बताना है क्या हुआ राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस देश में इंटर कॉन्टिनेंटल कप फुटबॉल 2018 खिताब हासिल कर लिया, ये आपसे पूछा जा रहा है, जल्दी से आंसर दीजिए इसका, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है 41, तो ये किसने जीता है, इंडिया, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 42, किस वर्ष भारत सरकार द्वारा भारतीय मौसम विभाग की जो है स्थापना की गई थी, 42 का आंसर दीजिए आप लोग। तो इसकी स्थापना की गई थी 1875 में, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। किस वर्ष जो है भारत सरकार द्वारा भारतीय मौसम विभाग की स्थापना कब की गई थी, 1875 में। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 43 का आंसर देना है आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 का कह रहा है, किस देश में हाल ही में 44वां G7 शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है, ये आपसे पूछा जा रहा है, G7 के बारे में पूछा जा रहा है, किस देश में जो है हाल ही में यह आयोजन हुआ है, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। G7 का जो है ग्रुप ऑफ 7, चलिए जल्दी से आंसर दीजिए इसका क्या होगा राइट आंसर। इसमें अगर हम बात करें तो कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान एंड यूनाइटेड किंगडम है, यूनाइटेड स्टेट है, ये 7 जो है कंट्री हैं, इसमें भारत नहीं है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि G7 में कौन सा देश नहीं है, भारत ऑप्शन में रख देते हैं, तो भारत नहीं है इसमें। तो आपको याद रखना है कौन कौन है इसके मेंबर्स, ग्रुप ऑफ 7 की अगर हम बात करें तो इसकी जो 1997 में स्थापना हुई थी संगठन की, एंड इसके मेंबर कौन कौन है, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट यानी कि अमेरिका, ये 7 कंट्री हैं इसमें। और इसके बारे में बात की जाए, क्वेश्चन नंबर अपना 43 है, तो ये कहाँ हुआ था, ये कनाडा में, इसका हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 44 का आंसर आपको देना है, अब 44 का आंसर बताइए, जल्दी जल्दी आंसर देना है आपको क्या होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 44 है, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना सरकार द्वारा कब की गई थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसकी स्थापना की गई थी 1964 में, 1964, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 क्या होगा राइट आंसर, जल्दी से आंसर दीजिए इसका, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल में 42 हैं भाई, बहुत देर से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वेस्ट बंगाल में 42 हैं लोकसभा सीटों की संख्या। चलिए अभी आप लास्ट में पूछ लेना जिसको भी पूछना है। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर बताइए, 8वीं दक्षिण एशियाई जूडो चैंपियनशिप कहाँ जो है आयोजित की गई थी, ये की गई थी नेपाल में, इसका हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा। नेपाल की राजधानी क्या है, काठमांडू है, आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर आपको आया 46, राइट आंसर आपको देना है 46 का, विश्व पृथ्वी दिवस 2018 के लिए क्या विषय है, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। इनकी थीम पूछी जाने लगी आजकल एग्जाम में, जो भी एग्जाम हो रहे हैं उनमें पूछी जाती है कि इसकी थीम क्या थी, ठीक है। तो ये भी थीम भी आपको याद रखना है, पहले तो आपको पता होना चाहिए विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 22 अप्रैल को, एंड इसकी जो 2018 के लिए विषय या थीम थी वो क्या थी, प्लास्टिक प्रदूषण को खत्म करो, ठीक है, प्लास्टिक प्रदूषण खत्म करो यानी कि एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन, इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा। 22 अप्रैल 2018 की जो थीम क्या थी, 22 अप्रैल 2018 की क्या थीम थी, एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन यानी कि प्लास्टिक प्रदूषण खत्म करो, अच्छे से याद रखना है विश्व पृथ्वी दिवस की, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 47 है, राइट आंसर दीजिए इसका। 47 के कह रहा है, निम्नलिखित में से किस टीम ने नीदरलैंड के ब्रेडा में हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी का 37वां और अंतिम संस्करण जीता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। चलिए उसका राइट आंसर हो गया एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन, आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर कौन, किसने जीता है हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी का 37वां और अंतिम संस्करण, किसने जीता है, क्वेश्चन नंबर 47 है, इसका राइट आंसर आपको देना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा, एंड ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है बताइए आप लोग, सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 48 है, राइट आंसर आपको देना है 48 का, कुआलालंपुर में किस खिलाड़ी ने ऐतिहासिक 12वीं बार मलेशियाई ओपन बैडमिंटन एकल खिताब जो है जीता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। 12वीं बार मलेशियाई ओपन बैडमिंटन एकल खिताब किसने जीता है, चलिए जल्दी से आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 48, चलिए कैनबरा राजधानी है कहाँ की, ऑस्ट्रेलिया की, आपको बताना है ये कुआलालंपुर कहाँ की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर दीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो ली चोंगवी,
ठीक है, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ली चोंग भी। अब देखिए कई बार ये पूछ लेता है ली चोंग भी किस देश से संबंधित हैं या किस देश के हैं, तो नाम से क्या लग रहा है, चाइनीज लग रहा है ली चोंग भी, लेकिन कहाँ के हैं, मलेशिया के, मलेशिया खिलाड़ी हैं ली चोंग भी, बैडमिंटन खिलाड़ी हैं मलेशियाई, जिन्होंने क्या जीता है 12वीं बार मलेशियाई ओपन बैडमिंटन एकल खिताब जीता है, मलेशियाई ओपन बैडमिंटन खिताब जो है इन्होंने जीता है और मलेशिया के ही ये हैं। इसका हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 49 का आंसर आपको बताना है, उस पूर्व क्रिकेटर या क्रिकेटरों का जो है नाम बताना है आपको जिसे डबलिन आयरलैंड में ICC क्रिकेट हॉल ऑफ फेम 2018 में शामिल किया गया है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, इसके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए 49 के बारे में, तो उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में हम बात कर लेंगे, ठीक है। चलिए क्या होगा इसका राइट आंसर 49 का, चलिए 49 के बारे में अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 49 के बारे में, तो ICC क्रिकेट हॉल ऑफ फेम की लिस्ट की जो है क्रिकेट की महान हस्तियों को शामिल किया जाता है, ठीक है, जिसका जो बैकग्राउंड ज़्यादा अच्छा रहा हो क्रिकेट में उनको शामिल किया जाता है, तो इस पर 2018 में शामिल किया गया है राहुल द्रविड़ जो कि भारतीय हैं, राहुल द्रविड़ उनको लिया गया है, रिकी पोंटिंग जो कि ऑस्ट्रेलिया से हैं, और क्लेयर टेलर, ठीक है, ये कहाँ की हैं, क्लेयर टेलर इंग्लैंड की महिला विकेटकीपर और बल्लेबाज हैं, क्लेयर टेलर 2018 की इस लिस्ट में तीनों को शामिल किया गया। इसका राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा, ए बी और डी, ठीक है, राहुल द्रविड़ और रिकी पोंटिंग और क्लेयर टेलर। अब इसके अलावा बात करें तो 5 भारतीयों को इस सूची में शामिल किया जा चुका है, ये 5वें भारतीय हैं, ठीक है, सन 1932 से आज तक केवल जो है 5 भारतीय क्रिकेटर को इसमें शामिल किया गया है, ठीक है, इस बार किसको किया गया, राहुल द्रविड़ को 2018 में। अगर इसके अलावा बात करें तो सबसे पहले 2009 में शामिल किया था बिशन सिंह बेदी को, ठीक है, इसके बाद 2009 में ही किसको किया गया था, कपिल देव को, और 2009 में ही सुनील गावस्कर को, 3 भारतीय खिलाड़ियों को किया गया था, कब, 2009 में, बिशन सिंह बेदी, कपिल देव, सुनील गावस्कर। इसके अलावा बात करें 2015 में किया गया था अनिल कुंबले को, और 2018 में अब किया गया राहुल द्रविड़ को, ये आपको याद रखना है। और 2 जनवरी 2009 से ICC हॉल ऑफ फेम सूची में 87 खिलाड़ियों को शामिल किया जा चुका है, इस लिस्ट में सबसे अधिक इंग्लैंड टीम के 28 खिलाड़ी हैं, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है, एंड इसका राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 50 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में घोषणा की है कि देश का पहला खादी मॉल उस राज्य में खोला जाएगा, ये करंट अफेयर्स क्वेश्चन है, तो आपको पता होना चाहिए इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए जल्दी से आंसर दीजिए, जल्दी से आंसर आपको देना है। क्वेश्चन नंबर आपका 50 है, निम्नलिखित में से जो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने यह घोषणा की है कि देश का पहला खादी मॉल उस राज्य में खोला जाएगा, इसके बारे में हम करंट अफेयर की वीडियो में अच्छे डिस्कस कर चुके हैं, कहां खोला जाएगा, झारखंड में, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। एंड झारखंड के मुख्यमंत्री के बारे में बात करें तो रघुवर दास हैं, ठीक है, राजधानी रांची है, ये आपको पता होना चाहिए, और राज्यपाल कौन है, यहाँ के द्रौपदी मुर्मू हैं आई थिंक, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, झारखंड, ठीक है। चलिए तो आज की हमारी क्लास यहाँ पर कंप्लीट होती है, जितने भी लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो एक बार शेयर जरूर करें दोस्तों के साथ, ठीक है, एंड आप अपना स्कोर कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, थोड़ी देर में आप कैलकुलेट कर लीजिए अच्छे से कितने आपके स्कोर रहा है 50 में से, ठीक है, आपका स्कोर बताना है। इसके अलावा अन अकेडमी पर आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हो, मैथ की जो सीरीज वहाँ पर शुरू में करने वाला हूँ, तो आपको वो सारी देखनी हो तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, या डायरेक्टली जाकर वहाँ से आप जुड़ सकते हो, और आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो, अब काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे, ठीक है, लोकसभा सीट्स को लेकर, तो आप पूछ सकते हो। एंड आज की वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो एक व्यक्ति को शेयर जरूर करें, ठीक है, यहाँ से शेयर जरूर करें, इसी वीडियो को शेयर का ऑप्शन आ रहा होगा व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप में, आप शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को, ठीक है, एंड आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो मेरे से। चलिए तो आज का हमारा क्लास यहाँ पर कंप्लीट होता है, एंड और कोई आपका क्वेश्चन है क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हो अभी। असम में 14 है भाई, असम की किसने पूछा, असम में जो है 14 है, ठीक है। चलिए तो वीडियो अच्छा लगा तो एक बार शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। उड़ीसा में 21 है, 21, उड़ीसा की किसने पूछी अभी, उड़ीसा में जो है अजीत मांझी उड़ीसा में है, ठीक है, मैंने आपको बताया कितनी 21, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है अपने राज्य की, तो आपको पता होना चाहिए। एंड वीडियो आपको अच्छा लगा है तो एक बार शेयर जरूर करें, मिलते हैं हम कल 8 बजे, ठीक है। PDF अभी तक मैं जो अभी तक कितनी हमारी क्लासेज हो चुकी हैं, 12, आज को मिलाकर जो है 12 हो चुकी हैं, और 7 जो है टेस्ट की मैं PDF आपको टेलीग्राम पर ऑलरेडी दे चुका हूँ, जिन लोगों को नहीं मिली टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको मिल जाएगी, ठीक है। चलिए लिफ्ट राजस्थान क्वेश्चन क्या है आपका, पूछ सकते हो मुझसे अभी। UP में है 80, ठीक है, सबसे ज़्यादा UP में ही है पूरे भारत में। एंड गुड नाइट, आज का क्लास हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है पूरा, ठीक है। अन अकेडमी का लाइव सेशन होगा तो मैं आपको बता दूंगा, जल्दी होने वाला है, इस महीने 8 लाइव सेशन होने वाले हैं अन अकेडमी पर। छत्तीसगढ़ में 11 है भाई, कितनी छत्तीसगढ़ में, किसने पूछा, 11 है छत्तीसगढ़ में, ठीक है।
चलिए 8 बजे हमारा डेली शुरू होता है क्लास। क्लास का टाइमिंग आप लोगों को पता होना चाहिए 8 बजे। 2-4-5 मिनट लेट हो जाता है वो बात अलग है, लेकिन 8 PM आपको डेली जो है क्लास लाइव मिल जाएगा। ठीक है, 8 PM आपकी क्लास डेली चलती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। महाराष्ट्र में 48 हैं, ठीक है, महाराष्ट्र में 48 हैं। चलिए, तो सभी को बता चुका हूँ झारखंड की 14 है। ठीक है, चलिए, तो मिलते हैं हम कल। MP में 29 है भाई, MP में 29 और राज्यसभा है 230+1, एक नॉमिनेट हो दिए। चलिए, तो मिलते हैं हम कल। PDF आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइए आप लोग। यहाँ पर FB पेज पर भी मैं लिंक आपको कंप्लीट करके डाल दूंगा, सभी की 10 हो जाएंगे तो मैं आपको लिंक दे दूंगा, उस वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। PDF आपको वहाँ मिल जाती है, ठीक है, टेलीग्राम पर। मिलते हैं कल, वीडियो अच्छा लगा तो एक बार शेयर जरूर करें। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।